नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। तो हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 158.30 रुपीज़ पे। ले चलता आप लोग चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -35.28%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -84.43%, 1 ईयर रिटर्न दिया है -10.62%, ईयर लेट रिटर्न दिया है -28.35%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है -28.21%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 1.60%, 5 डेज में रिटर्न दिया है -3.39%, और 1 डे में रिटर्न दिया है -2.40%। दोस्तों, हम आगे इसके अंदर वेबसाइट पे, यहाँ पर रिटर्न एनालिसिस करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इट्स रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। ये कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बेसिकली ये हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और ये कोई पब्लिक डिपॉजिट ये नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, और इसको जो रेगुलेट करती है वो नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करती है। ले चलता हूँ आप लोग को इसके वेबसाइट पे, वेबसाइट नहीं खुल रही है। इसकी जो मार्केट कैप है 7,460 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 159 रुपीज़ की है। इसका 52 वीक हाई है 314 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 130 रुपीज़ का। स्टॉक की जो पी है 8.36 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 328 रुपीज़ की है। तो अपनी बुक वैल्यू से सस्ता ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 5.65% की। इसकी जो ROIC है 9.25% की है। इसकी जो ROE है 6.97% की। इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में निगेटिव रिटर्न ही दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी हैज रिड्यूस्ड कंपनी अपना खर्चा कम किया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.48 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैंने आपको पहले बताया था स्टॉक इसी बुक वैल्यू से सस्ता ट्रेड करा 0.48 टाइम्स। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 48.84%। कंपनी अच्छा डिविडेंड प्रदान करती है 48.84% का। कौन चेक करते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -11.97%। पिछले क्वार्टर्स में कंपनी में जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है कम हुई है -11.97% से। द कंपनी हैज डिलीवरी पोर्स ग्रोथ ऑफ -0.27% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पोर्स ग्रोथ डिलीवर की है -0.27% की। प्रमोटर होल्डिंग जो 9.72%, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम रह गई है 9.72% की। पीयर कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, इसको इंडस्ट्री है फाइनेंस हाउसिंग की है। सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है HDFC, देन LIC हाउसिंग फाइनेंस के बाद आवास फाइनेंशियर्स है, देन एप्टेस वैल्यू हाउसिंग है, देन कैनफिन होम्स है, उसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नंबर 6 की कंपनी, नंबर 7 पे फ्रुको है। इसको क्वार्टरली चेक करते हैं। मार्च 19 में जो इसकी नेट प्रॉफिट 875 करोड़ की थी और दिसंबर 2021 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 190 करोड़ की। अभी जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्जिन 10 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 18 करोड़ की थी और मार्जिन 21 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 1058 करोड़ से कंपनी नेट प्रॉफिट वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर 39%, 5 ईयर 0%, 3 ईयर से -14%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 30%, 5 ईयर से -14%, 3 ईयर से -31%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर में कोई जानकारी नहीं, 5 ईयर में -31%, 3 ईयर में -40%, 1 ईयर में -10%। रिटर्न इक्विटी 10 ईयर में 21%, 5 ईयर में 18%, 3 ईयर में 15%, लास्ट ईयर में 7%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्जिन 10 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 1436 करोड़ की थी और
दिसंबर 2021 कंपनी की जो टोटल एसेट्स है 77,206 करोड़ की कंपनी जो टोटल एसेट्स हो यहाँ पे बड़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं मार्जिन 10 में जिसका नेट कैश फ्लो था 453 करोड़ का था और मार्च 2021 कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है -246 करोड़ का है। कंपनी नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पे कम हुआ, उसमें गिरावट आई है। रेशियो चेक करते हैं मार्जिन 10 में जो इसकी आर ओ ई थी 5% की थी और मार्च 2021 कंपनी की जो आर ओ ई है 7% की। कंपनी जो आर ओ ई यहाँ पे बढ़ी हुई है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं जो 2019 में प्रमोटर्स के पास 21.64% शेयर्स थे और मार्च 2022 में प्रमोटर्स के पास 9.66% शेयर्स है। प्रमोटर्स ने कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। 2019 में फाइज के पास 52.42% शेयर्स थे और मार्च 2022 में फाइज के पास 26.81% शेयर्स है। फाइन अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम की है। जून 2019 में डी आई के पास 13.27% शेयर्स थे और मार्च 2022 में डी आई के पास 13.11% शेयर्स है। डी आई ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। जून 2019 में पब्लिक के पास 12.66% शेयर्स थे और मार्च 2022 में पब्लिक के पास 45.51% शेयर्स है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है। जून 2019 में अदर्स के पास 0% शेयर्स थे और मार्च 2022 में अदर्स के पास 4.91% शेयर्स है। अदर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है। दोस्तों ने रिटेल एनालिसिस किया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।